सॉरी रुक जाओ। पहाड़ियों की चढ़ी जगह नहीं है बैठने की, खड़े होने से ये बहुत ही सफलता है समाजवादी पार्टी हमारे बच्चों की जागरूकता, हमारे जितने नेता है और सरकार करता है जागरूक है, इसलिए आप वो प्रयास कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। उसी का परिणाम है इतनी बड़ी तादाद में पहली बार इतने लोग हैं, पहली बार हम लगातार आ रहे हैं। देखिए भीड़ जहाँ तक है वो आज की तरीक भी रही है, और बाहर देखिए जाके हाल बाहर है, यही हाल भीतर है। इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह जो आप आए हो तो अधर्मी कीजिए, समाजवादी पार्टी क्या है नहीं है, मर्जी है। अगर न कहीं किताब हो जाना थोड़ी चाहेंगे, वो जो मैं खत्म कर दूंगा, मैं जल्दी कर दूंगा। यहाँ वहाँ तड़की है वो हम आपको दे देंगे, पता लगाने दस में है कि नहीं है, वैसे काफ़ी लोग दे गए हैं, अगर होंगी बाकी वो हम आपको दे देंगे। पर ठीक है, अब मैं कहूँगा कार्रवाई हाँ ठीक है। इनकी यात्रा है जनवादी जन क्रांति यात्रा, इनको बधाई। 22 में साइकिल खत्म हुई है, आज इनका स्वागत हो रहा है संजय चौहान जी का। चलिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मुझे खुशी है आज आपका स्वागत करने में मुझे खुशी हो रही है। कहाँ से लोग आएंगे, अब मुझे पता होना चाहिए कि ऐसे दो होल हों तब लोगों शामिल हो सकते। मैं कहता हूँ शुरू कीजिए, हम बोल देंगे। और ये भी ज्वाइन हो गए राकेश राणा, खड़े जाओ राकेश राणा जी, बस हाँ ये भी ज्वाइन हो गए, ये रूठ गए थे थोड़े दिन, अब आगे साथ आदरणीय नेता जी। और मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, मंच पर बसे सभी नेतागण, इस ऑडिटोरियम में उपस्थित बड़ी संख्या में जी डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी के सभी सहयोगी समर्थक पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले नेताजी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हेलो, कि आज वो हमारे बीच में अचानक आकर के इस जनवादी जनक्रांति यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होने का काम किया, इसलिए हम और आप सब मिलकर के नेताजी को धन्यवाद देते हैं। मैं डॉक्टर संजय सिंह चौहान को बधाई देता हूँ, डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी को बधाई देता हूँ किस यात्रा पर निकले और हर वर्ग के लोगों को जगाने का काम किया, हर वर्ग के लोग जागे हैं। जिस दिन से आपने यात्रा शुरू की है और आपके साथ साथ एक दूसरा दल महान दल श्री केशव जी वो भी यात्रा पर निकले थे, आपकी यात्रा बलिया से शुरू हो रही थी, महान दल की यात्रा पीलीभीत से शुरू हुई है, और हमारे बीच लीडर ऑपोजिशन है जिन्होंने झंडी दिखाई थी। जिस समय महान दल का कार्यक्रम का समापन हुआ था वो इटावा में सैफई में
उसका बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और वहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने उस समापन के कार्यक्रम में महान दल के कार्यक्रम में शामिल होकर के उन्हें बधाई दी थी। आज हम नेताजी और पार्टी के सब लोग मिलकर के डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी के सभी सहयोगी साथियों को और जब यात्रा समाप्त हो रही है हम आपको बधाई देना चाहते हैं और मुबारकबाद देना चाहते हैं। ये यात्रा जिन जिन जिलों से निकली है, ये यात्रा जिन जिन जिलों से होकर के आई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहाँ हैं। इसीलिए समाजवादियों ने कहा है अब की बार 400 पार। लोगों ने कम सीट के लिए नारा लगाया लेकिन इस बार समाजवादियों ने लगाया है और उसमें डॉक्टर चौहान, संजय सिंह चौहान जी, महान दल और दल भी मिलकर थे। हम लोगों का प्रयास होगा जनता को साथ लेकर के, क्योंकि जनता में इतनी नाराजगी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जनता एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना नहीं चाहती। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान की पैदावार की आय दोगुनी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने जहां किसानों का कर्ज माफ करने का कहा था और वहीं कहा कि जो पैदावार होगी उसकी जो आय होगी किसान की उसको हम दोगुना कर देंगे, तो किसानों की पैदावार की आय तो दोगुनी नहीं हुई लेकिन सिलेंडर कितना हो गया, दोगुना हो गया कि नहीं हो गया? रसोई गैस का सिलेंडर की कीमत हमारी बहन बता रही है क्योंकि इन्हें घर देखना पड़ता है। ये जो हमारी बहनें खड़ी हैं ये बता रही हैं कि सिलेंडर की कीमत दुगनी हो गई है और ये अब घर नहीं चला पा रही हैं और कई हजार रुपया अब इनको ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है केवल घर चलाने के लिए। डीजल कितना बढ़ गया, पेट्रोल कितनी महंगी हो गई। और याद कीजिए उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने क्या कहा था, केंद्रीय सरकार के मंत्री जी ने क्या कहा, जब सरसों का तेल महंगा हो गया था, जब सरसों का तेल महंगा हो गया तो सोचिए क्या जवाब दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उन्होंने सरकार के लोगों ने जवाब दिया कि सरसों के तेल में मिलावट हम नहीं कर पा रहे इसलिए महंगा है। बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलावट करके चीजें सस्ती करना चाहते हैं और अपना सिलेंडर नाप के रखना, अगर कभी कीमत कम हुई तो हो सकता है उसमें से ये भारतीय जनता पार्टी है जो गैस भी निकाल देगी सिलेंडर की। और यही नहीं, आप खाद की बोरी खरीदते होगे, कीमत वही रही और खाद में से, तो बताओ कैसी सरकार है ये। और नोटबंदी क्या किया था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, डॉक्टर संजय सिंह चौहान जानते होंगे, इन्हें लोगों ने शिकायत की होगी कि बताओ भ्रष्टाचार किस तरह बढ़ गया है। अच्छी योजना थी 100 नंबर उसको ही बर्बाद कर दिया इन्होंने। इसलिए मैं बहुत सोच रहा था कि हिंदी में क्या शब्द गाऊं कि नेताजी जब आ गए हमारे कार्यक्रम में, हिंदी में मुझे कोई कार्यक्रम कोई शब्द नहीं मिला इसलिए अंग्रेजी का ही मुझे बोलना पड़ रहा है कि आइसिंग ऑन द केक। अब हिंदी में कोई अच्छा शब्द हो तो बताओ। सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। नेताजी के आने से शोभा बढ़ी और रौनक हमारे कार्यक्रम की बढ़ गई। इसलिए डॉक्टर संजय सिंह चौहान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके सहयोगी समर्थकों को बधाई देता हूँ और अरविंद गिरी जी और उनके सहयोगी साथी लगातार चलते रहे यूथ के लोग और जिन जिन जिलों में जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी को रात के लोग खड़े होकर के इंतजार करते करते जिन्होंने आपका स्वागत किया, कार्यक्रम को सफल बनाया। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी लोगों को उत्तर प्रदेश के जहाँ जहाँ यात्राएं निकली हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। साथ ही में
आज तो आपकी यात्रा आज समाप्त हो रही है, महान दल की भी यात्रा समाप्त हो चुकी है, इसी तरह इंद्रजीत सरोज जी जनादेश यात्रा लेकर के निकले हैं, वो भी लगातार जगह जगह जाएंगे और लोगों को जगाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और उनके साथ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता किसान नौजवान पटेल यात्रा पर निकले हैं। समाजवादी व्यापार सभा मंडलीय सम्मेलन कर रही है और इसी तरीके से लगातार यात्राएं होती रहेंगी और यात्राएं तब तक नहीं रुकेंगी जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से नाकाम नहीं होगी। मैं सभी साथियों को चौहान समाज के लोगों को बधाई देता हूं और ये भरोसा दिलाता हूं कि जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया उस सम्मान को देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आपके समाज को अगर कहीं हमें सम्मान देना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है आने वाले समय में कहीं भी किसी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे। समाज को आगे बढ़ाने के लिए अगर हमें आपके समाज के बीच के लोगों को भी आगे बढ़ाना पड़ा तो समाजवादी लोग आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।